संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानु राज कुमार यादव। बहरोड में अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज, आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम बहरोड का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड बहरोड, प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा जागवास वाले। नमस्कार, मैं हूँ हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा24। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के सदस्यों की वर्चुअल मीटिंग ली और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर चर्चा भी की। पीसीसी सचिव ललित यादव ने मुंडावर सीएससी पर एमडी डॉक्टर लगवाने को लेकर बात कही। वहीं ललित यादव ने मांग रखी कि रोगियों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं शाहजहाँपुर सीएससी पर कार्यरत डॉक्टरों को अन्य जगह लगा दिया गया था, उनको पुनः शाहजहाँपुर लगवाया जाए। सर नमस्ते। सर हमारे मुंडावर में डॉक्टर्स की बड़ी कमी है, उसको बहुत जल्दी भरा जाए जिससे कि हम लोग यहाँ आने वाले मरीज को सही इलाज सीएचसी पर दिलवा सकें। सर यहाँ वैक्सीन को लेकर भी बाहर के लोग ऑनलाइन बुक करते हैं और वही लोग लगवा के चले जाते हैं, हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही, इस पर भी कोई अलग से बैठ करके निर्णय लिया जाए। तो सर ऑक्सीजन की जो कमी जो पूरे मुंडावर तहसील में है, विधानसभा क्षेत्र में, उसमें भी आप एक बार संज्ञान लेकर के तुरंत प्रभाव से करने का काम किया जाए जिससे कि हम इस संकट की घड़ी में लोगों को मदद कर सकें, लोगों को इलाज दिलवा सकें और इलाज के अभाव में किसी की जान नहीं जाए, इस ढंग का हम सब लोग मिलकर प्रयास कर सकें। सर धन्यवाद, सुविचार करना मेरे निवेदन पर। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना की ओर से कोरोना समय में भी हर गांव में अनेक जनहित के काम करवाए जा रहे हैं। वहीं बेजुबान पक्षियों के लिए भी ट्रस्ट ने अनूठी पहल की। इनकम टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर राजकुमार यादव के सानिध्य में बेजुबान पक्षियों के लिए 500 परिंडे लगाए जाने के अभियान के तहत आज 51 जगह परिंडे लगाए गए। ट्रस्ट के सदस्यों ने मिलकर तोलाड़ा जोहड़, बाबा बागड़ी मंदिर और जखराना में पहाड़ के रास्ते पर इन बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की। इस मौके पर राजकुमार यादव ने कहा कि भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और बढ़ती गर्मी को देखते हुए मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह उनके प्रति दया का भाव रखें, उनके लिए दाना पानी का इंतजाम करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि घर की छत के ऊपर और पेड़ पौधों पर पक्षियों के लिए परिंडे लगाएं और चुग्गे की भी व्यवस्था करें जिससे कि उनके प्राणों की रक्षा हो सके। इस मौके पर मनोज कुमार, हरिओम, अमन कुमार, नौनिहाल, अर्णव, पार्थ, मायरा, पाखी, प्रतीक, विवान मौजूद रहे। सचिन पायलट के द्वारा चलाए जा रहे अभियान पायलट विद पीपल के तहत बहरोड के गांव जैनपुरवास में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव करवाया गया। टीम सचिन पायलट के द्वारा युवा शक्ति जैनपुरवास के सहयोग से यह कार्य हुआ। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा, डॉक्टर इंदु यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब
इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान इंदू हॉस्पिटल नीमराणा। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरोड, जहां तराशा जाता है आपके बच्चों का बेहतर भविष्य। हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्किंग बच्चे, हार्ड वर्किंग पेरेंट्स और ये क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि 9 स्कूलों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन सुविधाएं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो सोचिए मत, फौरन चले आए आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल। आज इतना ही, देखते रहे रात 24। नमस्कार।